गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपको नंबर सिस्टम का कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड कैसे ऐड करके आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आरआरबी जेई, एसएससी जेई, एपी कांस्टेबल भी और जितना ही कॉन्स्टेबल एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे 5 सेकेंड्स में। देखिए, पहला क्वेश्चन तो दिया हुआ है 7 + 7 + 7, इसको भी ऐड भी कर सकते हैं, बट बहुत समय लगेगा। मगर इसको क्विक आंसर चाहिए मेरे को, तो कैसे ऐड करेंगे। नहीं, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, मीन्स 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना हुआ, 5 7 तक दिया गया हुआ है। तो पहला जो 7 है उसमें 7, एक 7 कॉमन ले लेते हैं। और कितना बार 7 लिखा, 5 बार लिखा हुआ है, मीन्स 1 2 3 4 5, 5 बार 7 लिख लिए। तो अब इसको 7 × 1 2 3 4 5 गुना करेंगे, वहीं आपका आंसर होगा। इसको गुना करने के बाद जो आंसर आएगा 86415 आंसर आएगा। ये काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स है और काफ़ी एक मैक्सिमम 30 सेकेंड में बन गया। दूसरा क्वेश्चन है 3, आप क्वेश्चन ऊपर देख, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 × 3 अप टू 1 2 3 4 5 6 बार दिया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया, 3 + 3 6 बार दिया हुआ है, माने मैक्सिमम कितना है, 6 बार है। तो पहला 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 एक कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए, उसके बाद कितना है, 6 बार है, मीन्स 1 2 3 4 5 6, 6 बार। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 370368 आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर है। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स है ना, इसी को अगर जोड़ने जाएंगे, सम करने जाएंगे, तो इसको सम करते करते आपको बहुत समय लग सकता है। तो ऐसा संभव नहीं है एग्जामिनेशन में करने के लिए, जो कि काफ़ी टाइम खपत है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 2 + 2। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 तीन बार, 4 बार दिया, ये काफ़ी छोटा है, पर इसको सोल्व करेंगे तो इसको जोड़ भी सकते हैं, बहुत मैक्सिमम 1 मिनट लेगा जोड़ने के लिए। पर शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसके लिए, 2 1 बाहर ले लेते हैं, उसका कितना बार है, 4 बार है, 1 2 3 4 लिख दिए। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा वो 2 4 6 8 आंसर होगा। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया, मीन्स 9 9 + 9 9 + 9 9 अप टू कितना बार दिया गया, प्लस ऑफ, देख सकते ऊपर जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 बार दिया गया, प्लस 1 2 3 4 5 6 बार दिया गया। एक 9 इसमें से क्या करना है, कॉमन ले लेना है, तो कितना बचेगा, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे गुना करने के बाद 9 × तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 3 1 1 0 4 आंसर होगा आपका। अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन जो पहले जो दिया गया था, इसमें अगर 9 दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन इसको मान लेते हैं इसी का क्वेश्चन है, मिस 9 + 9 9 + 9 9 9 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए, 2 बार ए जब रिपीट हो रहा है, जो 2 रिपीट हो तब क्या करना है, वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी फार्मूला है, मिस 1 2 3 4 5 + 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। तब इसका एक ज़्यादा है यहाँ पे, तो सेम ट्रिक लगाना है यहाँ पे, 9 × कितना बार है, 6 बार है ना, तो 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा है, प्लस ऑफ 9 9 9 9 लिख देंगे, ठीक है। बस वही सेम ट्रिक्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 ऑफ 1 1, ये सेम ऊपर जो लिखे हैं वहीं पे हो जाएगा, 1 1 0 4 प्लस ऑफ 1 2 3 4, इसका जो जब जोड़ेंगे तो 1 1 2 1 1 0 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पॉइंट में रहेगा, डिसिमल में रहेगा, तब कैसे सोल्व करेंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे 0.2 + 0.22 + 0.22 + 0.22 2 1 2 3 4 + 0.2 2 2, मीन 5 बार 5 है। जो पॉइंट में रहेगा तो क्या करेंगे, सेम ट्रिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जब 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, जब पॉइंट में रहेगा तो तब रिवर्स कर देंगे, 5 बार है तो 5 4 3 2 1 हो गया। इस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1 0 8 6 4 2, यहाँ पे एक डिसिमल लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, जब 0.7 है, जब 0.7 + 0.77 +
तीन बार, चार बार, पांच बार प्लस ऑफ पॉइंट ले लिए, ठीक है, छः बार है, एक दो तीन चार पाँच छः बार ले लिए। जिसको पॉइंट सेवन है तो सेवन बार ले लेंगे, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे आंसर कितना आएगा आपका, फोर पॉइंट, जब इसका जब गुना करने के बाद आपका आंसर आएगा फोर पॉइंट फाइव एट जीरो टू फोर सेवन, ये आपका आंसर होगा। एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ। सो ये काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स है, काफ़ी इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, आरआरबी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, कॉन्स्टेबल एग्जामिनेशन हो गया, तो ये सब काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स है। थैंक यू।